सर बसपा को छोड़ा मैंने सिर्फ इसलिए, बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और मुनकाद अली और गोरेलाल, इन लोगों ने 8 लाख रुपया मुझसे लिया और वो पैसा बहन जी तक नहीं पहुंचाया, जिसकी वजह से हमने उनसे कहा कि वो पैसा मुझे रिटर्न करो या बहन जी को दो। आज तक वो पैसा ना तो बहन जी को दिया गया, ना वो पैसा मुझे रिटर्न किया गया। ये खबर हमने अपनी बहन जी तक पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन कोई ऐसा जरिया नहीं था जो बहन जी के पास पहुँच जाता। नतीजा ये हुआ कि मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और हमने बसपा पार्टी को छोड़ दिया। ये पैसा मुनकाद अली, गोरेलाल और जिला अध्यक्ष जी ने दिया था हेलीकॉप्टर बहन जी का आने के लिए। जब हेलीकॉप्टर नहीं आया तो मेरा पैसा मुझे रिटर्न करना चाहिए था, लेकिन वो पैसा ना रिटर्न किया गया ना बहन जी को दिया गया। समाजवादी पार्टी से किस बात को लेकर प्रभावित हुए? समाजवादी पार्टी ने सर इस जनपद को हमेशा नाम और काम दिया है। आज तक जो कुछ भी मैनपुरी में है, कोई झूठ बोले सच बोले, लेकिन ये सब अखिलेश भैया ने दिया, सब माननीय मुलायम सिंह जी ने दिया। मुझे डिंपल भाभी से और अखिलेश भैया से बड़ी उम्मीदें हैं कि वो इस देश को और इस प्रदेश को आगे ले जाएंगे, इसलिए हमने उनका साथ चुना। बड़ी संख्या में आपके साथ लोगों ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। सर समाजवादी पार्टी में जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं, हम लोग सेना से जुड़े हुए हैं, सेना हमारा मुख्य अंग है। सर आज लगभग हमने 25 लोग की तो लिस्ट हमने दी है खाली, बाकी तो हमने एक एक दो दो लोग एक एक दो गांव से बुलाए थे। अगर हम पूरों को बुलाते तो मुझे लगता है कि कम से कम नहीं तो 10,000 की संख्या हम लोग हमारे साथ खड़े हो जाते। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे कमज़ोर लोकसभा की सीट विधानसभा भोगांव को कही जाती है और हारते भी हैं। इस बार आप भोगांव से पिछली बार चूंकि प्रत्याशी भी रहे हैं, तो क्या वहाँ पे गुल खिलाने वाले? सर आप झूठ बोल रहे हो, 28 साल तक आप भूल गए हो कि समाजवादी पार्टी का राज रहा है वहाँ पे। पिछली बार एक बार जो है माननीय रामनेश अग्नोत्री जी की जीत हुई, उस समय मैं भाजपा में था और मैंने उन्हें जिताया था। उसके बाद हम उनके खिलाफ लड़े तो बेईमानी हुई है। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। लोकसभा की बात है, लोकसभा जीवन भर, आज से पहले भी माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी यहाँ रहे और आने वाले समय में मुलायम सिंह जी जितने वोटों से जीते थे उससे अधिक वोटों से डिंपल भाभी जीत के आएंगे। भोगांव की क्या स्थिति रहने वाली है? भोगांव हम जीते हैं सर। अशोक जी बसपा के बहुत भी बड़े बड़े नेता हैं जो आपके संपर्क में, क्या संभावना जताई जा रही है क्या वो भी? सर कम से कम 3 नेता जो हैं, 3 नहीं